तो यहाँ पे हमारा मोस्ट स्पाइसी एग चिंगारी लगने जा रहा है और मुंबई में ये लोग काफी पसंद करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे 6 अंडे आ चुके हैं। तो कैसे सोचा आपने यहाँ पे अंडे का लगाने का? देखिए, अंडे का जितने भी डिश है ज्यादातर सूरत से आए हुए हैं, जो जितने भी स्पेशल आइटम है उसको कुछ यूनिक कुछ डिफरेंस करके मैंने मुंबई स्टाइल में ये किया हूँ। जैसे मेरा एक चिंगारी है, ये मेरा खुद का थॉट से मैं ये किया हूँ। तो भाभी भी साथ में काम करते हैं? हाँ, मेरे साथ हेल्प करते हैं पूरा, उनको भी सब कुछ आता है। सब कुछ सिखा दिया? हाँ जी। तो भाभी ने आपको सिखाया कि आपने भाभी को सिखाया? मैंने भाभी को सिखाया। अभी डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, यह है गरम मसाला, ये हल्दी पाउडर, ये लाल मिर्च पाउडर ढेर सारा रहेगा क्योंकि इसका नाम ही चिंगारी है, ये धनिया पाउडर और एक चिंगारी का स्पेशल मसाला है, तो जो होममेड पूरी चिंगारी मचेगी और एक स्पेशल होममेड मसाला है। हाँ जी, ये आ गया अदरक लहसुन का पेस्ट। देख सकते हो हमारे यहाँ पे काफी सारी चीजें डल चुकी है बटर के अंदर, तो ये विदाउट बटर भी बन जाता है? विदाउट बटर भी बनता है। तो इसके अलावा और क्या क्या मिल जाता है यहाँ पे? यहाँ पे बाकी बहुत सारे स्पेशल आइटम है, जैसा हो गया एक पापलेट हो गया, एक चमचम हो गया, एक मुगलाई, एक घोटाला, एक कीमा। तो ऐसा क्या खास बात है कि लोग इतना पसंद करते हैं आपकी चिंगारी? ये तीखेपन के वजह से। तीखेपन की वजह से? तो भाई मसाला हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है, येलो पार्टी में डाल दिया है, ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया जाएगा, इससे थोड़ा सा थिकनेस बढ़ जाता है। ये स्पेशल चटनी है जो इस पे, ये अदरक लहसुन का ही है, अदरक लहसुन और लाल मिर्च का, जिसको इस डिश को एक यूनिक टेस्ट देता है ये चटनी। तो अगर आप भी मुंबई विजिट करो तो एग चिंगारी को ट्राई कर सकते हो, बहुत ही स्पाइसी डिश रहती है ये। तो अभी इसमें पानी डल चुका है, ये आ गया ऊपर से कोरिएंडर। तो फाइनली हमारी देख सकते हो ग्रेवी बन गई। नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगा भैया? नेक्स्ट प्रोसेस बॉयल अंडे का जो व्हाइट वाला हिस्सा है उसको हम तड़का लगाएंगे। तड़का मारेंगे उसको? उसको तड़का लगाएंगे। एग का जो व्हाइट पोर्शन है उसको तड़का मारा जाएगा। ये आ गया नमक डाल दिया जाएगा और हल्के से मसाले, गरम मसाला, हल्के से नमक, काफ़ी सारे मसाले डाल दिए हैं अच्छे से। अब इसको बटर में सेक लिया जाएगा तो बढ़िया सा तड़का मार दिया जाएगा। तो फाइनली आप देख सकते हो हमारी एग चिंगारी बन के रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब इसको जल्दी से टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसा टेस्ट। पाव लगेगा साथ में इसके साथ। फाइनली हमारी एग चिंगारी बन के रेडी हो चुकी है, अब इसमें पाव सेक लिया जाएगा। तो कितने पाव रहते हैं एक प्लेट के साथ? चार पाव रहते हैं। चार पाव रहते हैं, दो प्लेट पे 8 पाव आ जाएंगे। पाव सेकने के लिए सबसे पहले बटर आ चुका है और हल्की सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी गई है। दोनों में 4-4 8 पाव है, टोटल 8 पाव रहेंगे। टोटल 8 पाव। तो फाइनली मुंबई की स्पेशल एग चिंगारी यहाँ पे लग चुकी है। तो देख सकते हो ये है मेरी प्लेट और बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने एग चिंगारी लगाई है। मैंने एग की बहुत सारी डिशेस खाई है बट ये मैं पहली बार देख रहा हूँ एग चिंगारी जो कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी रहती है और भैया ने ये खुद इन्वेंट की है। साथ में आपको इसके 4 पाव मिल जाएंगे। अगर आप बटर के साथ इसको ले रहे हो आपको 150 रुपीज़ की प्लेट पड़ जाएगी, अगर आप बिना बटर के ले रहे हो 20 रुपये कम में आपको ये प्लेट मिल जाएगी। और भैया का कहना है कि अगर आप इसको खाओगे तो आपके तन बदन में चिंगारी लग जाएगी। तो चलिए हम भी इसको टेस्ट कर लेते हैं। महाराष्ट्र के लोग काफ़ी स्पाइसी खाते हैं तो उनको ये बहुत पसंद आती है। ग्रेवी के साथ जो इन्होंने बॉयल्ड एग डाला हुआ तड़का मार के उसका जो टेस्ट आ रहा है बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही यूनिक है। और 150 रुपये में आपको ये प्लेट मिल जाएगी 4 पाव के साथ। तो भैया दुकान की टाइमिंग क्या रहती है आपकी? सुबह 11 से रात 11। और हफ्ते में कितने दिन ओपन रहती है? सातों दिन ओपन है, कभी भी आ सकते हैं। हाँ जी। और एड्रेस बता दीजिए किसी को यहाँ पे आना। ये ठाकुर विलेज है कांदीवली, नियर वोडाफोन गैलरी। तो अगर आपको भी इसको टेस्ट करना है तो ठाकुर विलेज कांदीवली में आके इसको टेस्ट कर सकते हो। तो अब इसको यहाँ पे मैं जल्दी से फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।